राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा की। उन्होंने कहा, आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। मोदी जी ने कहा, बाला साहेब का मानना था कि जिस दिन शिवसेना कांग्रेस की राह पर चलने लगेगी उस दिन उनकी शिवसेना का अंत हो जाएगा। आज ये जो विनाश हो रहा है यह बाला साहेब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, यह सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चिढ़ नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। कांग्रेस के लोग मंदिर को लेकर बकवास कर रहे हैं, नकली शिवसेना पूरी तरह से चुप है। उनकी साझेदारी पाप की साझेदारी है और उनका पाप पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। चार चरणों के चुनाव में जनता ने उन्हें हर तरफ से हरा दिया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।